हेलो फ्रेंड्स, मैं संपदा कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल टेक टॉक्स में। मैं आज आपको सर्चिंग, वो हमें क्यों लगता है, सर्चिंग हमें कैसे हेल्पफुल है, वो बताने वाली हूँ। तो चलो देखते हैं कि सबसे पहले क्यों और कब हमें सर्चिंग की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे मैंने अलग अलग सिनेरियो दिखाए हैं, जिसमें से पहले सिनेरियो है, अगर आप लाइब्रेरी में जाते हो और अगर आपको कोई बुक इशू करना है तो आप क्या करते हो। दूसरा सिनेरियो है, अगर आपको ड्रेस चूज करना है कि अभी मुझे कौन सा ड्रेस पहनना है तो आप क्या करते हो। अगर आपकी ऑफिस में आपको कोई फाइल ढूंढनी है, अगर हमें आपको कोई फाइल चाहिए तो हम क्या करते हैं। फाइल में से कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो हम क्या करते हैं। और एक बच्चा है जो खिलौने के साथ खेल रहा है, पर उसे अगर कोई पर्टिकुलर खिलौना चाहिए तो वो बच्चा भी क्या करता है। तो ये सभी सिनेरियो का एक ही आंसर है, सॉल्यूशन है, जो है सर्चिंग। तो मुझे ये बताने के लिए आपको ये बताने के लिए मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि इस वीडियो का एम जो है वो है नीड ऑफ सर्चिंग, व्हाई सर्चिंग इज नीडेड, हमें सर्चिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। तो जब भी कभी हमारे पास बहुत सारा डेटा अवेलेबल है और उस डेटा में से हमें कुछ पर्टिकुलर थिंग आइटम हमें फाइंड करना है, हमें ढूंढना है, तो हमें क्या करना है, तो हमें सर्चिंग की जरूरत होती है। अगर हमारे पास जो डेटा है वो हंड्रेड्स में है, थाउजेंड्स में है, मिलियंस में है, बिलियंस में है और मेनी मोर है, अगर उसमें से हमें कोई पर्टिकुलर थिंग हमें चाहिए है तो हमें सर्चिंग की जरूरत पड़ती है। तो ये जो सर्चिंग है तो उसके लिए हम उसके अल्गोरिदम्स यूज करेंगे। तो वो जो सर्चिंग करने के लिए हमारे पास अलग अलग अल्गोरिदम्स है, तो वो यूज करके हम हमारा काम कर सकते हैं जो कि हम सर्चिंग करने के लिए यूज करेंगे। तो जो है, अगर हमारे पास ये एल्गोरिदम नहीं है, अगर हमारे पास ये एल्गोरिदम नहीं है तो जो कुछ आपको सर्च करना है, ढूंढना है, वो आपको इंडिविजुअली करना पड़ेगा विदाउट एनी हेल्प ऑफ कंप्यूटर। तो अगर वो हम इंडिविजुअली करते हैं तो उसके लिए बहुत टाइम लगता है। तो वो हटाने के लिए हमें हेल्प लेनी है ये सर्चिंग अल्गोरिदम्स की। तो कौन कौन से सर्चिंग अल्गोरिदम्स होते हैं, उससे पहले हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास लार्ज डेटा सेट अवेलेबल है तो अगर हम इंडिविजुअली सर्च करते हैं तो ये बहुत टाइम लेता है। तो अगर ये बहुत टाइम लेता है तो इसका कोई यूज नहीं है। मैन्युअली अगर कोई हमें चीज ढूंढनी है तो वो ठीक है, बट हमारे पास अगर डेटा है वो जो है हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में और मिलियंस में है और हमें सर्च करना है, मान लो कि तुम्हारे पास हजारों एम्प्लॉय का डेटा है, उसमें से हमें पर्टिकुलर एम्प्लॉय चाहिए, मान लो तुम्हारे पास हजारों स्टूडेंट्स का डेटा है और उसमें से आपको पर्टिकुलर एक स्टूडेंट का ही डेटा सर्च करना है, सपोज उसका एडमिशन कैंसिल करना है, उसके डिटेल्स देखने हैं, उसके मार्क्स देखने हैं, उसके मार्क्स अल्टर करने हैं, बहुत सारी चीजें होती है, तो उसके लिए हमें वो स्टूडेंट सर्च करना पड़ेगा। तो वो सर्च करने के लिए अगर हमारे पास थाउजेंड स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, उसमें से अगर हमें सर्च करना है तो हमें यही एल्गोरिदम हेल्प करेंगे वो स्टूडेंट को ढूंढने के लिए, आउट ऑफ दैट थाउजेंड ऑफ रिकॉर्ड्स। सो यही अगर डेटा हम मैन्युअली चेक करते हैं, हर एक स्टूडेंट का देख के फिर सोचते हैं कि अच्छा ये यही स्टूडेंट है तो चलो अभी अल्टर कर देते हैं, तो उसके लिए बहुत टाइम लगेगा। तो ये हमें नहीं चाहिए, हमें डेटा स्ट्रक्चर्स यूज करके हमारा काम इजी करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो ये हमारा काम इजी करने के लिए ही सर्चिंग एल्गोरिदम जो है वो हम यूज करेंगे, जो कि हमें हेल्प करेगा हमारा काम रिड्यूस करने के लिए, हमारा आइटम, हमारा रिकॉर्ड जो है, जो हमें सर्च करना है वो हमें ढूंढ के ये एल्गोरिदम देगा, उसके लिए हमें ये हेल्प करेगा। तो अभी हम देखते हैं कि जो सर्चिंग है वो एक्चुअल में क्या होता है। तो ये जो सर्चिंग होता है वो एक प्रोसेस होता है,
उस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, तो हम आइडेंटिफाई करते हैं और हमें जो ढूंढना है पर्टिकुलर रिकॉर्ड और डेटा, वो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि सर्चिंग। पर्टिकुलर रिकॉर्ड अगर हमें ढूंढना है तो उसके लिए हम उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सर्चिंग। तो हम यूजुअली बहुत सारा टाइम स्पेंड कर देते हैं हमारा डिजायर्ड आइटम ढूंढने के लिए। तो अगर वो प्रॉपरली रखा हुआ है डेटा रिकॉर्ड्स, तो हमें ये सर्च करने के लिए बहुत इजी जाता है, पर अगर नहीं है तो हमें सर्च करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि बेसिक कंसेप्ट क्या होते हैं सर्चिंग के लिए, जो हम इस डेटा स्ट्रक्चर में यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो सर्चिंग है वो हमारी लाइफ इजी कैसे करता है। जैसे कि आप हर रोज व्हाट्सएप यूज करते हो, उसमें ये सर्चिंग का एक आइकॉन होता है, वो हमें क्या हेल्प करता है, ये हमें हमारी चैट में से पर्टिकुलर वर्ड सर्च करने में हेल्प करता है, ये हमारा कॉन्टैक्ट सर्च करने में हेल्प करता है, पर्टिकुलर चैट सर्च करने में हेल्प करता है। वही आप अगर मैन्युअली स्क्रॉल डाउन करके करते हो तो उसको बहुत टाइम लगेगा, बट दिस सर्चिंग हेल्प्स यू टू सर्च एनी पर्टिकुलर रिकॉर्ड इन वेरी लेस टाइम। तो ये बहुत कम समय में आपको सर्च करके देगा, तो ये हमारी लाइफ इजी हो गई। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, ये है तुम्हारा फिर से स्मार्टफोन जिसमें ये सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट सर्च करना है तो एक तो है कि इंडिविजुअली कॉन्टैक्ट सर्च करो स्क्रॉल डाउन करके, या तो फिर ये सर्च वाला ऑप्शन यूज करो। सर्च वाले ऑप्शन में सर्च के लिए जिस नाम से आपने सेव किया है उस नाम से आप सर्च करो, तुम्हारा नंबर ऑफ रिलेटेड कॉन्टैक्ट्स सामने आ जाएंगे, उसमें से आपको जो चाहिए फिर आप वो यूज कर सकते हो। सो फिर से ये जो सर्चिंग है वो हमारी लाइफ इजी कर रहा है। और एग्जांपल है जैसे कि आप फेसबुक पे हर रोज यूज करते हो, फेसबुक में भी सर्च ऑप्शन होता है, ये आपको बहुत सारी चीजें सर्च करने में मदद करता है। और सबसे बड़ा सर्च इंजन जो है गूगल, तो ये तो वर्ल्ड वाइड है, हम कोई भी चीज यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो ये जो सर्चिंग है वो हमारी लाइफ बहुत इजी बना रहा है। तो ये सबसे पहले कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ये जो डेटा स्ट्रक्चर है वो हम कैसे यूज कर सकते हैं हमारी लाइफ इजी बनाने के लिए, यही हमें देखना है। तो ये जो सर्चिंग होता है ये एक ऑपरेशन है और टेक्निक है जो हमें पर्टिकुलर डेटा सर्च करने में मदद करता है। और ये जो सर्चिंग होता है वो आइदर सक्सेसफुल होता है और अनसक्सेसफुल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर सक्सेसफुल होता है और अनसक्सेसफुल होता है इसका मतलब क्या है। सक्सेसफुल इसका मतलब है जो कुछ आप डेटा सर्च कर रहे हो वो अगर आपको मिल रहा है आपके डिफाइंड डेटा सेट में तो ये हो गया सर्च सक्सेसफुल, पर अगर डिफाइंड डेटा सेट में आपको जो रिक्वायर्ड है वो डेटा मिल नहीं रहा है तो उसको हम बोलते हैं अनसक्सेसफुल सर्च। उस सर्चिंग के लिए हमारे पास मेनली दो टेक्निक्स है, तो वो जो है मतलब यहाँ पे हम फोकस करने वाले हैं इन दो टेक्निक्स पे। तो सबसे पहला टेक्निक है उसको हम बोलते हैं लीनियर सर्च, और उसको ही हम बोलते हैं सिक्वेंशियल सर्च, और उसको ही हम बोलते हैं सीरियल सर्च। एक ही सर्चिंग टेक्निक को ये तीन अलग अलग नाम दिए गए हैं, जो है लीनियर सर्च और अ सिक्वेंशियल सर्च और अ सीरियल सर्च। और दूसरा जो टेक्निक है उसको नाम दिया गया है बाइनरी सर्च। तो ये दोनों सर्च क्या होते हैं ये डिटेल में जानने के लिए मेरे चैनल को आप देखते रहिए, सुनते रहिए, स्टे ट्यून विथ माय चैनल, जो आपको ये सारी जानकारी देता रहेगा। सो थैंक यू डियर फ्रेंड्स, आपने मेरे वीडियो को देखा सुना, प्लीज कमेंट करना ना भूलिए। अगर आपको मेरे वीडियोस के कंटेंट और वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप उस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मेरे चैनल का नाम है टेक टॉक्स, और उसको आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ना भूलिए। आपको बिल रिंगिंग रखना है क्योंकि रिंगिंग बेल आपको मेरी चैनल के नए नए नोटिफिकेशंस देता रहेगा। यहाँ पे मैं आपको मेरे चैनल के सब्सक्रिप्शन का लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, तो यहाँ पे तो आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इसके साथ मैं आपको यहाँ पे कुछ और वीडियो का भी शॉर्टकट लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ।
थैंक यू।